अल्मोड़ा उत्तराखंड भुवन चंद्र जोशी केस में आया एक नया खुलासा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, लड़का लड़की को तंग करते हुए, लेकिन दोस्तों इसका एंड यही नहीं हुआ। आगे देखिए आप, दरअसल ये दोनों फेसबुक के फ्रेंड्स थे, जिनमें से लोगों के मुताबिक अगर हम बात करें तो लड़की ने लड़के को मिलने के लिए बुलाया, जिससे लड़की के घर वाले और गांव वालों ने मिलकर लड़के की जान ही ले ली। दोस्तों, मामला कितना भी गंभीर हो, कितनी भी कोई बात हो जाए, लेकिन उन लोगों ने ये इसकी जान लेकर बहुत गलत किया। इसका दंड तो उन्हें जरूर मिलेगा, इंसाफ तो जरूर होना चाहिए भुवन चंद्र जोशी का। अंकल, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपकी लड़की का नंबर मेरे पास आया था, उसके बाद आपकी लड़की ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। इसमें मैं ये नहीं करता, गलती सिर्फ लड़की की है, क्योंकि भुवन चंद्र जोशी की भी इसमें गलती है, और सबसे बड़ी गलती है उन गांव वालों और उस लड़की के घर वालों की, जिन्होंने भुवन चंद्र जोशी को जान से ही मार दिया। ये घटना ये साबित करती है कि गांव वालों और उस लड़की के घर वालों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, साले हैवान बन चुके हैं सब। अरे यार, कोई किसी को ऐसे जान से कैसे मार सकता है? तो इस बारे में दोस्तों अपनी अपनी राय दें कि मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, प्लीज। आपको विश्वास नहीं है ना, मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग देखो, अभी की मतलब 2:30 बजे की रिकॉर्डिंग देखो, इसने मेरे को नहीं बुलाया होगा, तो मैं आपका इसने इसको बुलाया, आप क्या हुआ कि जहाँ कुछ नहीं हुआ यहाँ मिले भाई? तीसरा वाला बंदा भाई मेरे सामने का, हम दो दिन हेलमेट लगा के भागा। मैं सब उसका नाम गिरीश नाम है, दसली गांव का है, दसली गांव गिरीश नाम है। प्रधान का नाम? अरे रुक, प्रधान मैं जानता हूँ, प्रधान को वहाँ का हाल प्रधान है। हाँ सर, नाम है, मेरा नाम भुवन जोशी है। जो ये लड़की है, ये पहले ये लोग रुवाल में रहते थे। अच्छा, एक बार आप खुद इनके बात करना, मैंने देखा इनके बुबो का नाम प्रेम वाला जोशी है ना, वो भी नहीं रहे हैं। अंकल पूरा प्रेम बना नहीं है, एक बार आप पूछ ले, नाम का था, ये क्या चलता है? लेकिन तुम लोग मार लाना, नहीं मार, आप कोई नहीं मारेगा, मैं आप मार देना, तुम मुझे खत्म कर दो, मेरी भी मार नहीं है, लेकिन मेरी मारने के बाद तुम्हें नहीं वो कहानी वहाँ तक। बुलाई हो अंकल, इसने मेरे को बुला रखा है, तभी यहाँ आ रहा।